यदि संभव हो तो मेरे YouTube चैनल वन एंड ओनली मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। इसे सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सरल करना है। सबसे पहले तो इसको घूर घूर के देखिए, एकदम अच्छा से देखिए, देख लिए। तो इस टाइप का कभी भी सवाल रहे ना, जिसमें प्लस भी रहे, माइनस भी रहे, गुना भी रहे, भाग भी रहे, सब कुछ रहे, यानी कि जोड़ घटा गुना भाग सब कुछ रहे, खिचड़ी खिचड़ी रहे, ठीक है, खिचड़ी टाइप का मतलब सब कुछ रहे, ठीक है। तब आप एक नियम लगा देना, एक रूल लगा देना, ठीक, एक नियम लगा देना, एक रूल लगा देना। नियम यानी कि रूल, वो क्या? ओड मास, ओड मास, ठीक है। क्या लगा देना? बोर्ड मास लगा देना है आपको। किस टाइप के सवाल पर? इस टाइप का सवाल पर। इस टाइप का मेरे कहने का मतलब क्या है कि जिसमें जोड़ भी रहे, घटाव भी रहे, गुना भी रहे, भाग भी रहे, ठीक, खिचड़ी टाइप का, हर चीज रहे, हर चीज मिला हुआ रहे, जैसे हर चीज मिला हुआ, हर चीज मिला हुआ, ठीक है। एक दूसरे इसमें कम ज्यादा रह सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा, अब सबसे पहले मैं लिखूंगा सोल्यूशन, यानी कि हर क्वेश्चन उतार दूंगा। का मतलब ऑफ होता है, का के जगह पर ऑफ भी दे सकता है, वो आई फोन, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, एक ही सवाल वही हुआ, इंग्लिश मीडियम में ऑफ देगा, हिंदी मीडियम है, इसलिए का दिया हुआ। चार ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है। पी का मतलब होता है, पी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोस्ट। तो कोस्ट तो है नहीं, कोस्ट यानी कि ये छोटी कोस्ट, मझली कोस्ट, बड़ी कोस्ट, यानी कि इसको स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं या राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट यानी कि मझली कोस्ट, इसको बड़ी ब्रैकेट या स्क्वायर कोस्ट। तो कोस्ट तो है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन खत्म, बिफोर ब्रैकेट होता है, याद रखना, इसको काट दीजिए, है या नहीं, तो इसका काम ही नहीं है, इसको मैं कैंसिल कर दिया, इसका कुछ वर्क ही नहीं है अभी, ठीक। अच्छा, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का है, इसको घींच के वहां तक ले जाना है, ठीक है, चुपचाप इसको उतार लेना है, इसको उतार लेना है चुपचाप। अब यहाँ पर रुक जाना, इतना घसना नहीं है, मैं आपको फील देने के लिए, समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब इतना ये का है, अब का मतलब क्या होता है? काबा नहीं, का मतलब होता है गुना, क्या होता है? का मतलब क्या होता है? का मतलब क्या होता है? गुना होता है, ठीक है। अब का मतलब जब गुना हुआ, तब तो ऐसा वाला बन गया इनडायरेक्टली, तब तो ऐसा वाला हो गया, 25 गुने 1/5 हो गया, ये और ये सेम है, ये सेम है। अभी मैंने क्या बोला? का मतलब गुना, ठीक। तो जब ये गुना है, जब ये गुना है तो नीचे हम कुछ नहीं देखे, ठीक, तो ये भी सेम हो गया, तो आराम से मैं इसको काट सकता हूँ, 5 × 1 = 5, यानी कि 5 × 1 = 5, 5 × 25, क्लियर, ऐसे करके आराम से काट सकता हूँ, है ना, ऐसे 5 × 5 = 25, तो क्या हो गया, 5 को गुना करेंगे 1 से तो 5, और 1 को गुना करेंगे 1 से 1, तो 5/1 तो 5 ही नहीं हुआ, बात समझ गए, समझे, ये 25 है और का है 1/5 है, तो नीचे में कुछ नहीं, तो कट गया 5, तो 5 को गुना, का मतलब गुना, ठीक है, तो 5 को गुना करेंगे 1 से तो 5 हुआ, 1 को गुना करेंगे 1 से तो 5/1, 1 नीचे हम नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि 5 में अगर 1 से डिवाइड देंगे तो 5 ही नहीं होगा, ऐसे करके बात तो बराबर हुआ ना, इसलिए 5/1 लिखिए, 5 लिखिए, एक ही बात है, 7 लिखिए या 7/1 लिखिए, एक ही बात है, क्लियर। अच्छा, तो इतना से क्या निकला? 5 निकला, 5 को का मतलब गुना करेंगे 1 से 5, नीचे में नहीं भी देंगे तो चलेगा, छुपा होगा, अभी मैंने बताया, ठीक, एक नीचे नहीं दिया मैं, बराबर, एक नहीं दिया मैं, ठीक है। अब इसको उतार दीजिए, अब इसका हो गया खत्म, इन्हें लिखिए काटना है, कि मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, माइंड में करना, ठीक है, बोर मास में भी आता है तो भी नहीं है, ऑफ है तो ऐसे करके ये करना, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या है, डी है, डी फॉर डिवाइड, डिवाइड यानी कि भाग, डिवीजन, डिवाइड, डिवाइड कहाँ है? यहाँ है, इतना दूर है, यानी कि ऐसे कर पेंसिल से कर दीजिएगा, आप लाल पेन से पेन चेंज करके कीजिएगा, नहीं, सब मैं आपको, ये सब मैं आपको फील देने के लिए कर रहा हूँ, फील देने के लिए, ठीक। अच्छा, ये इतना दूर करेंगे, क्या हो गया, 8 × 20 को, मतलब 20 और डिवाइड 5 है, तो इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 20 को डिवाइड देंगे किससे, 5 से,
देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 20 है डिवाइड 5 है, ठीक है, तो 20 है 20 डिवाइड है, डिवाइड मतलब बट्टा, फिर 5 है, फिर 5 वन जा 5, 5 फोर जा 20, ये हो गया, ठीक, 5 से कम 5, 5 का 20 से, ऐसे आपको अगर नहीं करना चाहते तो वैसे भी कर सकते हैं, 5 में 20 से डिवाइड भी कर सकते हैं, फिर भी तो 4 ही हुआ, ठीक है, नहीं तो आप अगर अच्छे खासे स्टूडेंट हो तो डायरेक्ट 5 हुआ, ठीक है। अच्छा हो गया, तो 20 में भाग करेंगे 5 से, कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, क्लियर। अब आगे इसको फिर उतार देंगे, गुना 10 माइनस 4, क्लियर, तो ये भी ख़त्म हो गया। देखिए जो जो होता जाएगा माइनस उतार उड़ाते चलेंगे, कर गया ये भी कर गया, ठीक, ये तो था ही नहीं, ये था, इसको मैंने कर लिया, इसका मैंने कर लिया, मल्टीप्लाई है मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी कि गुना, ठीक है, तो गुना कहाँ है, यहाँ है, इसको गुना करेंगे, ठीक, तो 8 जो 4 को 100 गुना करेंगे तो 4 ये 0 चिपका देंगे, 40 हो गया, यानी कि 10 चौक 40 या 4 दें 40, ठीक, इजी है, इसमें पेन चलाने का रहता है, माइनस 4, क्लियर। फिर ये भी ख़त्म हो गया, मल्टीप्लाई बराबर हिस्सा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब क्या बचा, ए फॉर एट यानी कि जोर, जोर का, अब जोर का यहाँ देखिए कुछ नहीं, शुरू में जो प्लस छुपा हुआ है, देंगे देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे, प्लस छुपा हुआ, प्लस छुपा हुआ, ठीक है। अच्छा तो प्लस 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 40 और 8 48 48, दोनों में से बड़ा कौन है, 40, 40 का चिन्ह प्लस, तो देंगे फिर भी ठीक है, नहीं देंगे फिर भी ठीक है, प्लस छुपा हुआ, माइनस 4, ठीक, ये भी खत्म हो गया। अंतिम में सब्ट्रैक्ट बढ़ गया, बच गया सब्ट्रैक्ट, एज पर सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाओ, ठीक, ये भी खत्म हो गया लास्ट में, 48 में से 4 गया तो कितना बचा, 44, हो गया।